हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग अगेन, इन स्नेहा ब्लॉग अगेन। आज मैंने फिर से एक हेल्दी और इजी हेल्दी स्नैक ट्राई किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी, देखेंगे हम। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ट्राई किया और वो कैसे दिख रहा है। ये है हमारे टोफू क्रिस्पी, जो मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ग्रीन चटनी तो आपने देखी है, मैंने दो रेसिपी डाली है जो जिसमें ग्रीन चटनी अलग अलग टाइप्स की है, तो आप कोई भी रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने घर पे। और हाँ, ये बहुत हेल्दी और बहुत इजी है, और लोगों को जिसको सोया सॉसेस ऐड करना है वो कर सकते हैं, जो भी सॉसेस रहते हैं वो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा और फ्लेवर आ जाए। ये हेल्दी के लिए मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिंपल है। वो वीडियो देखना और आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो लेट्स सी। अब हम टोफू स्टिक को लेकर कॉर्नफ्लावर में ऐड कर लेंगे, ताकि वो चारों साइड से अच्छे से रैप हो जाए, और फिर जो हम लोग ने कॉर्नफ्लावर का लिक्विड बनाया है उसमें ऐड कर लेंगे। और हाँ, जब हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर का लिक्विड बनाया है उसमें सॉल्ट भी ऐड करना है एज पर योर टेस्ट, और फिर रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, ये दोनों ऐड करना है ताकि और फ्लेवर आ जाए। अगर आपको थोड़ा और सॉसेस का ऐड चाहिए तो आप एक काम करना कि बाउल लेके टोफू ऐड करना, फिर उसके ऊपर सॉसेस ऐड कर देना जो भी आपको चाहिए, ताकि थोड़ा और अच्छा टेस्टी लगे। मेरे को हेल्दी करना था तो मैंने इसलिए सिंपल जस्ट रखा है, ताकि हम कोई भी स्नैक के साथ ले सकते हैं, लंच में हम लोग ले सकते हैं साइड से जो रहता है। हमारे सारे टोफू स्टिक रैप करके रेडी हो चुके हैं। हम इसको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट पैन में लेके थोड़ा फ्राई करेंगे। पहले हम पैन को हीट करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल लगा देंगे, ऑलिव ऑयल लगने के बाद फिर हम जो टोफू स्टिक हमारे रेडी थे वो अभी हम उसके ऊपर एक एक करके लाइंस रखेंगे, और फिर वेट करेंगे कुछ 5 to 10 minutes, और उससे दे आप चेक करते रहना कि नीचे से ब्राउनिश हो जाए तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल लगा देंगे, ताकि जब हम इसको चेंज करें तो हमारा टोफू स्टिक जो है क्रंचीनेस हो जाए और ब्राउनिश रेडिश कलर हो जाए। आप देख सकते हो हमारे ये एक साइड से ब्राउनिश रेडिश हो चुके हैं, और मैंने इसको चेंज भी कर दिया है, तो चारों साइड से हमारे ब्राउनिश होने चाहिए, ताकि थोड़ा और क्रंचीनेस रहेगा तो हमें और मज़ा आएगा खाने में। देखने में जितना क्रिस्पी लग रहा है उतने खाने में भी उतना क्रिस्पी होगा, और अगर गरम गरम खा रहे हो तो और क्रिस्पी लगेगा। तो चलो खाते हैं।